अमेरिकी ब्याज दरें घटाने के फैसले से खुश नहीं है। इतना ही नहीं, कच्चे तेल के बढ़ते दामों के बीच बाजार में हलचल देखी जा रही है। इसी बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कॉरपोरेट टैक्स में 22% की कटौती करने का ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल देखा गया। सेंसेक्स 1639 अंक उछल के 37,733 अंकों पर पहुंच गया था, जबकि निफ्टी में 477 अंकों की बढ़त देखी गई। इससे पहले शुक्रवार को कारोबारी सत्र के अंतिम दिन बाजार हरे निशान पर खुला। सेंसेक्स 121 अंकों की तेजी के साथ 36,214 अंकों पर कारोबार कर रहा था, जबकि 42 अंक उछलकर 10,746 अंक पर पहुंच गया था। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती का असर भारतीय शेयर बाजार पर देखा जा रहा है। शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन हरे निशान में खुला, लेकिन कुछ ही पल में लाल निशान पर पहुंच गया। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 470 अंक टूटकर 36,093 अंकों पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 135 अंक नीचे आकर 10,704 पर बंद हुआ। कारोबार सत्र के दौरान करीब 11:52 पर शेयर बाजार ने पिछले तेजी के सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए नया कीर्तिमान बना दिया। दोपहर करीब 12:15 पर सेंसेक्स 1,866 अंक की जबरदस्त तेजी के साथ 37,960 के स्तर पर पहुंच गया। इसी समय निफ्टी में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी गई और ये 528 अंक की तेजी के साथ 11,233.10 के स्तर पर पहुंच गया था। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.